कौशल रोजगार निगम में भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने हो गए। सीएम ने हुड्डा से कहा कि गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुड्डा ने कहा कि मेरे अनुभवों से क्यों नहीं सीखते। इस पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि आईना देखा फिर कोई बात नहीं कहो। हुड्डा ने कहा कि हम हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर देंगे। मैंने बताया वो तीन दिन का मैंने बताया वो योग्यता के अंदर गड़बड़ हुई है। उसमें 600-700 लोग बचे हैं जिनकी योग्यता पूरी नहीं थी लेकिन उनको ऑफर लेटर चला गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। केवल 12 तारीख को जो आप बता रहे 9 तारीख को ऑफर लेटर गया होगा। ऑफर लेटर देखो मैं क्या लिखा उसमें अपॉइंटमेंट लिखा है पंचकुला के आदेश क्रमांक 6/12/2022 को पीजीटी 2 दिनांक 7/12/22 के अनुसार श्रीमती वाणिज्य प्रवक्ता रेगुलर नियुक्ति होने के कारण उन्होंने 9/12 को पूर्व ज्वाइन किया जो 6/12 को ऑर्डर दिया था इसने ज्वाइन किया था। अतः आप अपने दिनांक 9/12 को पूरी दोपहर कार्यभार से मुक्त किया जाता है। चलिए 6 को ज्वाइन किया अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है ना। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है ये तो लीविंग का है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या लिखा ऐसा वो ऑफर लेटर है। स्पीकर साहब ज्वाइन किया जब तो मुक्त किया है। मैं क्या कह रहा हूँ अपॉइंटमेंट बगैर अपॉइंटमेंट ज्वाइन कर लिया। मैंने 6 तारीख को ज्वाइन किया 9 को मुक्त कर दिया। अध्यक्ष जी वो तो माना अध्यक्ष जी मैंने पहले कह दिया है कुछ गलतियां अगर हुई है उनको ठीक करेंगे। ऐसे जो केसेस हम देख लेंगे एक बार ज्वाइन हुई है तो उनको वापस जो भी उनकी योग्यता होगी आखिर हर योग्यता के लोगों की डिमांड तो आएगी। अभी इसके बाद जो और विभागों की डिमांड्स हैं क्योंकि अध्यापकों का ही पहले 2 चरणों में अभी किया है उसमें कठिनाइयां ध्यान में आई हैं। अब नए सिरे से जो कठिनाइयां उसमें आई उनको दूर करके मैं स्वयं जो हमारे इस काम को देख रहे हैं मेरे साथ डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पांडुरंग के एम पांडुरंग इस सारे विषय को देखते हैं। मैं उनको कहूंगा कि इन कठिनाइयों को दूर करके आगे इसको ठीक करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि ये सारी हमारी बिल्कुल क्लियर कट है और कहीं भी किसी की तरफदारी करके और कोई पर्ची देख लगता है ऐसा मैं गारंटी से इसलिए कह सकता हूं कि सारे सिस्टम को समझ करके मैं क्या कर रहा हूं कि मामले में एफआईआर दर्ज हुई है एक्सकेरन का एफआईआर दर्ज हुई है एक्सकेरन का। हां इसीलिए कानपुर के मेडिकल कॉलेज में तो ये कितने हो गए वो पकड़ा जाए जो कोई काम था आपका तो कोई हुई नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है अभी हमारे उसमें नोटिस में नहीं है। एफआईआर एचकेएन के कारण से हुई है तो इसके जानकारी में लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे अरे भाई अभी नहीं पता तो बता देना कार्रवाई करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर कहीं इस प्रकार का जानबूझ के किसी ने अपने नाम उसमें घुसेड़ दिए तो उसकी कार्रवाई करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अध्यापकों के दोनों बार जो 2074 और 2049 इन लोगों की जब उसके अंदर अवसर इनको जिनको देना था उसका क्राइटेरिया समझ करके मैंने स्वयं बटन दबाया और स्वयं बटन दबाने के बाद दोनों बार 10-10 लोगों से मैंने फोन भी किए। एक ने कहा जी नहीं अभी तो कोई समाचार नहीं। मैंने कहा फोन बंद करो अपना फोन में देखो उठा के तुम्हारे पास कोई मैसेज आया है 5 मिनट बाद फोन आया हाँ जी मैसेज आया है। तो इसलिए उनको हाथों हाथ बटन दबाते हैं हाथों हाथ उनको मैसेज पहुंचता मैसेज ये पहुंचता कि आप फला जगह जाकर के हाँ आपको अपना वो डालना पड़ता उनको अपना नंबर डालना पड़ता फिर उनको स्कूल का स्थान पता लगता कि इस स्कूल में आप 15 दिन के अंदर जाके ज्वाइन करें। 15 दिन में ज्वाइन नहीं करता फिर उनको मैसेज आता आपका नाम इसमें से खत्म काट दिया। क्योंकि लंबा समय का मामला नहीं है हमने और भी नए लोगों को उसमें लगाना है। इसके बाद हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में से अब हम आगे इस क्राइटेरिया गरीबी के हिसाब से चलिए परिवार पहचान पत्र की बात कर लेंगे लेकिन अभी जो हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है हम उसी में से ही जो योग्यता के लोग मिलते हैं पहली प्रायोरिटी है उनको देना। कोई इसकी लिस्ट इसलिए नहीं कम इनकम है बेसिक और तो कोई मेरिट है नहीं इनकम की है कई चीजें इनकम की है उसमें उसके हिसाब से आप बढ़ा रहे हो। नहीं देखिए इनकम सर्टिफिकेट कौन दे रहा है ये मेरे को बताओ। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कैसे आ जाओ मैं बता रहा हूँ कैसे इनकम वेरीफाई मैं बता रहा हूँ आगे आगे के लिए भी सुन लीजिए। हमारे 70 लाख परिवारों की किसके परिवार की क्या इनकम है हम इसमें कई राउंड के अंदर उसकी वेरिफिकेशन करा चुके हैं। और जहां तक सर्टिफिकेट का विषय है
किसने पहचान की है, किसने इनकम देखिए पहले तो एक लोकल लगा रखे थे, पहले उनको तो क्या मालूम है, मैं बता रहा हूँ या तो इनकम सर्टिफिकेट या इनकम का बता रहा हूँ, ऑथेंटिक कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में, या तो तहसीलदार इनकम टैक्स देगा या इनकम टैक्स अफसर देगा, इनका मतलब कोई मैं बता रहा हूँ ना पहचान पत्र की इनकम टैक्स सुन लीजिए कल को हुड्डा साहब सुन लीजिए इनकम की बात कर रहा हूँ, कल को रिट होगी, अरे रिट होगी तो मैं संभाल लूंगा, फालतू मिल गई तो बेचारा घर आ जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ ये हम संभाल लेंगे, हाँ परिवार पहचान पत्र में जो इनकम है, और आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, सभी हाउस को निवेदन करता हूँ कि इनकम को लेकर के कभी भी कोई गलती आए तो एडीसी के पास भेजिए, एडीसी इसको वेरीफाई कराएगा, और एडीसी तहसीलदार से तो ऊपर ही होता है, एडीसी तहसीलदार से ऊपर होता है ना, एडीसी की वेरिफिकेशन के बाद उसकी इनकम दर्ज होती है, कोई अपने आप नहीं कर सकता, नहीं शुरू कर रहे हैं, शुरू सुन तो लो हम किसी सर्टिफिकेट पर आईडी और पहचान पत्र जिस तरह बने हैं, जितनी गलतियां हुई हैं आप सबको मालूम है, मालूम नहीं हमारे को मालूम लग जाएगा, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, देखिए या तो कोई हम उस हिसाब से नहीं चलते, कोई एक लिस्ट 2011 में बैठ के बना दी, नाम दे दिया SECC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और आज भी उसमें लाखों आदमी हमने जो काटे हैं जिनके राशन कार्ड, किसी की इनकम 4 लाख, किसी की 3 लाख, किसी के 5 लाख, और इन 11 सालों में जितने लोग एम्प्लाई हो गए बेरोजगारों में से सबके नाम उसमें थे, किसी ने कटवाया नहीं, आखिर 9 लाख लोगों को अगर कटा और 12 लाख नए लोगों को बनाया है, इसका मतलब 12 लाख लोगों का अधिकार कौन खा रहे थे, ये जो इनएलिजिबल 9 लाख लोग परिवार है ये उनका अधिकार खा रहे थे। अब आगे ये सारा विषय डायनेमिक रहेगा। पेंशन कट गई 5 लाख तो पेंशन क्यों बनवाई, सवाल तो ये है, जब आपने 2 लाख रुपया सेल्फ डिक्लेरेशन पे होनी चाहिए, दो लाख रुपए की ये आपने बनाई थी उसके अंदर पहचान के भी परिवार पति पत्नी की इनकम बुजुर्ग की 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमने नहीं बनाया, उसके बाद भी आपके समय भी हम भी उसको शुरू में चेक नहीं कर पाए, 4 लाख 3 लाख 5 लाख सब परिवार जितने साल मैं रहा उतने साल आपको हो गए, अब मेरी बात कह रहे हो, नहीं वो तो आठ साल क्या करते रहे आप, अपनी भी कह रहा हूं क्या करते रहे, मैं आपकी भी कह रहा हूं अपनी भी कह रहा हूं, लेकिन अब गलत काम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहस की बात नहीं है, गलत बात कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, तजुर्बे से सीखना चाहिए कुछ, मैं कहता हूं मेरे तजुर्बे सीखो, गेस्ट टीचर भर्ती किए थे इस तरह जितना आपने एक रॉक घोष लिया, आज तक उनके बेचारे की लगती नहीं हुई, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप, ये कुछ नहीं है, ये उड़ा साहब आप या तो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं या तो एक छोटी बात सुन लो, आईना उठाया ना करो, आईना उठाओ तो पहले खुद देखा करो, वही मैं कह रहा हूँ, आईना तो आपने उठाया, दूसरा आईना तो और मैं उठा दूंगा आपका आईना, तो छोड़ो इस बात की, मैं लेकिन आईना उठा कंसर्न हूँ आपसे नहीं हूँ, मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य से हूँ जिसके साथ खिलवाड़ हो रही है, हम युवाओं को बिल्कुल ये कौशल युवाओं को नौकरी देना, रोजगार काम देना ये हमारा काम है, के साथ खिलवाड़ है, आपकी तरह नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी तरह नहीं है, काम करो तो मेरे करके CMI के साथ फोटो छुपा रहते हैं और उनको कहते हैं 36% 40% आमने सामने नहीं है, एक बार आप बोल लीजिए, आप एक बार अगर आप मेरे को नहीं आप पक्ष रख दीजिए, मैं खड़ा बैठा सुनता रहूं, अगर नहीं वो मेरा नाम लेकर मैं बैठा सुनता रहूं, नहीं सुनने की बात नहीं है, आप बोल रहे मैं मना नहीं कर